हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्री कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। गाइज, आपके इसमें कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितना गुणा को पास किया गया, और गाइज आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, और आपके कौन से नंबर इसमें जुड़ेंगे। तो गाइज हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। आपका एक भी पॉइंट मैं ऐसा नहीं छोड़ूँ जो आपको पता नहीं होगा। गाइज मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो मैं 50 मिनट ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड अपने गूगल पे आ जाते हैं हम, ठीक है? मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ आईटीबीपी का, ठीक है? बैज आईटीबीपी ड्राइवर ऑफिशियल नोटिस, ठीक है? तो गैज इतना फिलअप करने के बाद मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स नीचे ये, तो गैज यहाँ पे देखिए आप आईटीबी कोस्टल ड्राइवर एडमिट कार्ड, जो आप ये साइट देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको आना एक बार। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स एक बार। चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो गाइज मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? जो आप ये नोटिस देख रहे हो आपके सामने भी आ जाएगा आईटीबीपी का नोटिस, जो गाइज ये एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है? आपको इस नोटिस पे आ जाना है अगर आप चेक करना चाहते हो, ठीक है? वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स नीचे आइए, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है? इसमें बताने को जरूरत नहीं है आपको। तो आपका इस तरफ मेडिकल, तो मतलब जो आपका PST हो चुका है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको पता ही होगा गाइज, ठीक है? और फ्रेंड्स यहाँ पे आइए गाइज, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट का भी मैंने आपको अलग से वीडियो बना दी थी कि आपका स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना, ठीक है? आपका स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा, आपको उसमें 50 नंबर आपको कैसे लेने हैं। वैसे है वो ओनली पास करना है, आपको ओनली क्वालिफाई है वो, लेकिन अगर आप फिर भी आप अच्छा करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? आराम से चेक कर लेना, ओके? तो गाइज यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट, ठीक है? आपको नोटिस दिखा रहा हूँ मेरिट लिस्ट वाला। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक कॉलम है, आफ्टर कंप्लेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी, नेमली जनरल SC ST OBC NCL एंड एक्सर्विसमैन विल बी ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। गाइस सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से अभी, ठीक है? जो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी फ्रेंड्स, वो आपकी ओनली नंबर बेस पे बनेगी, ठीक है? जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, आपके रिटर्न टेस्ट के बेस पे बनेगी, ना कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके बेस पे बनेगी, ठीक है? वो आपका ओनली क्वालिफाई नेचर है। आपका जो भी मतलब रिटर्न टेस्ट में जितने नंबर आ रखे हैं उनके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है? द कैंडिडेट शैल बी सॉलिसिटेड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेटेड एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन DME एज पर द कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑन द मेरिट एक्सटेंड लिस्ट शैल आल्सो बी प्रिपेयर्ड टू कवर द शॉर्ट फॉल ड्यू टू फेलियर ऑफ कैंडिडेट इन DME एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME हाउएवर देयर शैल बी नो रिजर्व लिस्ट। गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें आकर आपका जब मेडिकल होना है, आपका मेडिकल हो जाएगा ना, जो भी मतलब मेडिकल में अनफिट हो जाएगा, जो उनको एक चांस और मिलेगा, उनका री मेडिकल दोबारा से होगा, ठीक है? अगर आप दोबारा फिर फेल हो जाते हो तो गाइस आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, अगर आप एक बार फेल हो जाते हो मेडिकल में, आपको री मेडिकल दोबारा दिया जाएगा। अगर आप तब भी फेल हो जाते हो तब आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके? इसमें कुछ पूछ रहे थे इसमें कितने कैंडिडेट पास हुए, कितना गुणा बुलाए गए हैं। तो गाइस को बता दूं मैं, इसमें अब तक ये मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आपको बता दो, जिसमें भी आप देखिए ऊपर जनरल की गाइस 35 मार्क्स वाले जितने भी ऊपर थे, अगर किसी जनरल कास्ट के या फिर एक्सर्विसमैन के 35 मार्क्स थे, उन सबको पास कर दिया गया है। 35 या 35 अबो वाले कैंडिडेट को पास कर दिया गया है गाइस, ठीक है? आप मान के चले 10% हमेशा मतलब 10 गुना बच्चे पास करते हैं। हालांकि जो भी भर्तियां हमारे इंडिया में निकलती हैं हर एक कैटेगरी में, आप देख के चलिए कि 10 गुना बच्चे पास करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आप काफी कैंडिडेट पास किए गए हैं इसमें, जिसके भी SC ST OBC में जिसके भी 33 से ऊपर मार्क्स थे या फिर 33 थे, उन सबको पास कर दिया गया है, ठीक है गाइज? और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रीमेडिकल भी दोबारा हो जाएगा इसमें, ठीक है? आपकी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका कुछ मेडिकल में पॉइंट्स बनता है, फिर मेडिकल से रिलेटेड अलग से वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और गाइज री मेडिकल वाले एडमिट कार्ड एक साथ ही आएंगे। आपका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट वाले एडमिट कार्ड गाइज एक साथ ही आएंगे, आप अलग अलग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके मेडिकल के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें, ठीक है?
आपके सब डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन मेरे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना नहीं आता है, ठीक है, आपको क्या करना है गाइस, वीडियो के नीचे आना, देखिए गाइस गाइस मेरा चैनल है, ठीक है, आपको आना है यहाँ पे सब्सक्राइब देख रहे हैं, आपको रेड रेड कलर का बटन जो दिख रहा है गाइज, आपको ये क्लिक कर देना सब्सक्राइब करने के लिए। और फ्रेंड्स आपको बता दो, आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे घंटा देख रहे हैं, बटन दबा देना, आपको ये बेल बटन भी आपको ऑन कर ले, ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको बेल बटन भी ऑन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब पक्का दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।